Very good morning, dear students. Welcome to Century International School Classes. Dear students, beta, today we are going to start our next chapter of Environmental Studies. EVS का beta आज हम अपना next chapter करने जा रहे हैं. The name of the chapter is Food. Food beta, जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, that is called Food. बेटा जो भी हम घर में रखते हैं, जैसे हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है बेटा, वेजिटेबल्स खाते हैं, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज काउंटेड इन फूड. जो भी चीज़ हमें किसी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करती है, ताकत देती है, उसे हम फूड कहते हैं. ठीक है बेटा, तो बेटा अभी हम इस चैप्टर की थोरलो रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन से पढ़ने लगे हैं हम. वी ऑल नीड फूड, हम सबको खाना चाहिए, खाना चाहिए ना बेटा हमें सबको, तो वी ऑल नीड फूड. इट कीप अस अलाइव, खाना क्या करता है, फूड क्या करता है, हमें जिंदा रखता है, जिंदा रखता है ना बेटा, एनर्जी देता है तो हम जिंदा रहते हैं. ठीक है, वी नीड फूड टू, हमें खाने की ज़रूरत क्यों है. फर्स्ट इज गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये हमें ताकत, एनर्जी मीन्स ताकत देती है, किसके लिए, काम करने के लिए, वर्क के लिए और खेलने के लिए, खेलने कूदने के लिए, वर्क के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. बेटा जब भी हम काम करते हैं कभी या खेल कर आते हैं, आपने देखा है ना, हमें भूख लग जाती है, तो उसका कारण यही कि हमारी जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है, फिर हमें और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट बेटा है, नेक्स्ट पॉइंट, बिकम स्ट्रांग एंड हेल्थी, एक तो बेटा अच्छा खाना खाएंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग मीन्स ताकतवर बनेंगे, और हेल्दी, हेल्दी मीन्स फ्री फ्रॉम डिजीज़, हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, सेहत हिस्ट पुष्ट रहेगी हमारी. ठीक है बेटा, एक तो हम स्ट्रांग रहेंगे और हम हेल्थी रहेंगे, हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी. ठीक है बेटा, ये हम कर रहे हैं कि फूड के फ़ायदे, ज़रूरतें क्या हैं हमारी. और फूड कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारा बेटा जो खाना है वो क्या है, वो जानवरों से भी आता है और वो प्लांट से भी आता है, पौधों से भी आता है. जैसे बेटा पौधों से हमारे पास वीट आती है, कनक कह देते हैं, राइस आ गया, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ये सारा कुछ हमें आ रहा है वहाँ से आता है. और एनिमल से मिल्क आता है बेटा हमें. ठीक है, मिल्क के अलावा जो मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं वो एनिमल से आता है हमें. सो अभी हम इसको अभी अच्छी तरह से आगे जाकर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से मिलने वाला खाना. ठीक है बेटा, प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट क्या है, फूड का मेन सोर्स है, मेन मीन्स मुख्य कारण, जहाँ से हमें फूड मिलता है. प्लांट गिव अस सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स मीन्स बेटा जो हमें दाने मिलते हैं, पल्सेस दालें, और फ्रूट्स मीन्स फ्रूट आपको पता ही सारे को है ना, फल, और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ. ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स जो नीचे दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट से, और ये हम अगर कंज्यूम करते हैं और तो हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेपर हम जा रहे हैं, नेक्स्ट पेपर प्लांट्स के बारे में अभी हम कंटिन्यू करेंगे. प्लांट आल्सो गिव अस फूड ग्रेन्स, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स बेटा जो जैसे हमारे पास आती हैं, कनक, वीट, राइस, चावल, मेज़, बाजरा, ये बेटा जो हमें दानेदार प्लांट से दाना मिलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वीट, राइस, मेज़. ठीक है जी, और ये सब क्या हैं, ये ग्रेन्स में आते हैं, ये बेटा फूड ग्रेन्स की उन्होंने पिक्चर्स भी दी गई हैं कि जो हमें, जैसे कनक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी, चावल की बात कर रहे हैं, मक्का की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं. नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से, हमें जानवरों से कौन सा खाना मिलता है. बेटा नॉर्मली हमें पता है जानवरों से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, फिश, मिल्क, ब्रेड्स,
ठीक है बेटा, बटर ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है, ये तो सब कुछ हमें एनिमल से ही मिलता है ना। ठीक है जी, सो बेटा अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनिमल गिव अस मिल्क, एनिमल हमें क्या देते हैं, दूध, एग्स अंडे, मीट मांस, ये तीनों चीज़ों हमें क्या कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से। मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड, मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड है, एक पूरा खाना है। वी मेक बटर, क्योंकि मिल्क से हमें क्या मिलता है, बटर मींस चीज़ घी, बटर मींस बेटा मक्खन, चीज़ मींस पनीर और घी मींस घी, तो आपको पता ही ना बेटा सारे को, जिसे हम क्यों कह देते हैं पंजाबी में, वो होता है घी। एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा, रिपीट करते हैं फिर से, बटर, चीज़, घी, आइसक्रीम, ठीक है बेटा, ये हमें मिलते हैं मिल्क प्रोडक्ट से, और ये सारे कहाँ से आते हैं, एनिमल से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मील्स, मील्स बेटा टाइम ऑफ मील, टाइम ऑफ मील का मतलब है खाना खाने का समय, कितनी बार हम मील मींस कितनी बार हम खाना अपना लेते हैं। वी टेक 3 meals इन अ डे, हम 3 बार दिन में खाना खाते हैं। फर्स्ट इज इन द मॉर्निंग, सुबह खाना खाते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट, जो हम सुबह खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, जो सुबह का खाना है उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। ये है हमारी पहली मील दिन की, शुरुआती खाना जो हमारा दिन की पहली मील होती है। वी मस्ट ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क विद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ हमारे क्या होना चाहिए, ग्लास ऑफ मिल्क, एक मिल्क का ग्लास होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो दूध का एक ग्लास और हमारी सुबह की पहली खुराक, पहली मील। दूसरी मील बेटा हमारी होती है आफ्टरनून में, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, दोपहर का खाना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वी टेक लंच। अभी बेटा मैं रिपीट कर दूं, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग के खाने को कहते हैं हम, लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। ठीक है बेटा, सो हम आफ्टरनून में दोपहर में करते हैं लंच। वी शुड ईट चपातीस, लंच में क्या खाते हैं हम, चपातीस, रोटियां, राइस, चावल, दाल, दाल बेटा आपको पता ही है, कर्ड, दही, सलाद, सैलेड मींस जो हम सलाद कहते हैं बेटा पंजाबी में, वो होता है सैलेड। हम आफ्टरनून में बेटा क्या क्या खाते हैं, वी रिपीट, आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है, वी ईट चपातीस, यस वेरी गुड, वी ईट चपातीस, राइस, दाल, कर्ड, सलाद, सैलेड इन लंच। क्या खाते हैं बेटा आफ्टरनून में हम, आप सब ने अभी ये पढ़ लिया है, सो इस पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से सुना है, और अभी मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आपने साथ साथ में जवाब भी याद रखना है। ठीक है बेटा, जैसे कि ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, आफ्टरनून में हम क्या करते हैं, चपातीस, राइस, दाल, कर्ड, सैलड एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं तीसरी मील के बारे, 2 meals हमने डिस्कस कर ली, एक हमने की जो ब्रेकफास्ट की मॉर्निंग, लंच आफ्टरनून की, और अब हम बात कर रहे हैं एट नाइट, रात के खाने की बात करेंगे। रात के खाने को बेटा हम क्या कहते हैं, डिनर, वेरी गुड बेटा, रात के खाने को हम कहते हैं डिनर। सो बेटा डिनर जो है वो होता है हमारा रात का खाना, इट शुड बी लाइट, रात का खाना बेटा क्या होना चाहिए, लाइट, लाइट मीन्स हल्का फुल्का, थोड़ा खाना है। ठीक है बेटा जी, रात का खाना थोड़ा, जितना हो सके बेटर क्वांटिटी में नहीं खाना, लेस क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि बेटा आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि रात का खाना राजों की तरह खाना चाहिए, राजों की तरह मींस बिल्कुल चक्कर, थोड़ा थोड़ा जितनी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बेटा रात को हम उतनी एनर्जी यूज़ नहीं करते, और डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, उसको पचाने में कोई समस्या ना हो, इसलिए हमें रात का खाना बिल्कुल लाइटर करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद सोने से पहले
हमें दूध का एक गिलास ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, ये अभी तक हमने पढ़ी हैं तीनों मील्स के बारे में। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे आगे जाकर, वो क्या है, हेल्दी फूड हैबिट्स। हेल्दी फूड हैबिट्स मीन्स खाना खाने की अच्छी आदतें, हैबिट्स आदतें। पहले बेटा, पहली आदत हमें क्या जो है वो डेली लाइफ में लानी चाहिए, वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। रोज़ बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ऑन दी एवरेज यू हैव टू ड्रिंक नियर अबाउट 3 to 5 liters वाटर अ डे। 3 से 5 liter तक आपको रोजाना पानी पीना चाहिए बेटा। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो वॉश आउट होती रहेगी। वॉश आउट मीन्स जितना बेटा आप पानी ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आप यूरिन करोगे, यूरिन के लिए जाओगे, स्वेटिंग होगी, मीन्स आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है, जो वेस्ट है वो बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलेगा, आपकी बॉडी वॉश आउट रहेगी, क्लीन रहेगी। ठीक है बेटा, आपकी डाइजेशन भी बड़ी बेटर रहेगी। नेक्स्ट बेटा, हम बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बात हम, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग आवर फूड। हमें क्या करना चाहिए, हमारे हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने से बाद। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, जब हम कोई भी काम करते हैं हमें कई बार नहीं पता चलता हमारे हैंड्स पर जर्म्स वगैरह लगे होते हैं, जो हमें बेटा नेकेड आइज अपनी जो आँखों से नहीं दिखाई देते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। सो जब हम सोप से अच्छी तरह से अपने हैंड्स जो हैं वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे, तो वो बैक्टीरियास हमारे हाथों से ख़त्म हो जाएंगे और हमें कोई भी डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेटा, यू हैव टू फॉलो रूल नंबर 2, ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, वी शुड ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। हमें सही समय पर खाना खाना चाहिए। बेटा हमने तीन मील्स के बारे में बात की है, उनके टाइम के बारे में बात की है। पहली मील की बात की थी, वो क्या थी हमारी, वेरी गुड, वो थी हमारी फर्स्ट मील जो हम मॉर्निंग में करते हैं, उससे कहते हैं ब्रेकफास्ट। सेकंड मील बेटा कौन सी की थी हमने, याद करो जल्दी जल्दी, वेरी गुड, सेकंड मील थी हमारी, वो थी लंच जो हम करते हैं आफ्टरनून में, वो करते हैं हम दोपहर में। और थर्ड मील जो हमने अभी पढ़ी थी वो कौन सी थी, यस वेरी गुड, वो थी डिनर, और डिनर हम करते हैं रात को, एट नाइट। तीनों मील्स का प्रॉपर टाइम। तो बेटा उन्होंने क्या क्या है कि आपको तीनों मील्स जो हैं फूड है वो प्रॉपर टाइम पर ही लेना है। वी मस्ट च्यू आवर फूड प्रॉपरली। हमें अपना खाना, च्यू मीन्स अपना खाना चबा कर खाना चाहिए बेटा। जितना ज़्यादा हम च्यू करेंगे उतना ही वो फूड छोटी छोटी बाइट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमें वो खाना जो है वो पचाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे एनर्जी लेने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो दिस पॉइंट इज़ very important and you have to follow this, chew your food. We should eat fresh and clean food. बेटा ये बहुत ही important है, हमें हमेशा ताज़ा खाना और साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। ताज़ा means जो भी घर में ताज़ी चीज़ बनती है, सब्जियाँ, फल, मिल्क, जो भी है वो ताज़ा लेना चाहिए, और साथ में वो क्लीन फूड हो। क्लीन फूड मीन्स बेटा ये नहीं कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, नूडल्स, बर्गर्स, आउटडोर जो फूड है हमारा फास्ट फूड वही खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, उसको हमने अवॉइड करना है। तो हमें होममेड फ्रेश फूड ही कंज्यूम करना चाहिए, और मैं होप करता हूँ कि आप सब भी ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट, डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बेटा, हमें कभी भी खाना खाते वक्त बोलना ही नहीं चाहिए। प्रॉपरली खाना खाते वक्त चुप कर कर अपना खाना खाएं। ये नहीं कि खाना खाते वक्त टीवी भी देख रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ अपना वो काम कंप्लीट करें, खाना खाएं, उसको अच्छी तरह से चबाएं और फिर कुछ और करें। नेक्स्ट बेटा लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट इज़ वी शुड ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए, हमें कम से कम दिन में दूध 2 बार पीना चाहिए, क्योंकि बेटा दूध जो है वो एनर्जी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। हमने पढ़ा ना पहले ही,
दूध से हमें क्या मिल रहा है, बटर मिल रहा है, चीज़ मिल रहा है, घी मिल रहा है, तो बेटा वो सारा हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सोर्स है बेटा प्रोटीन एंड कैल्शियम का, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सो हमें क्या करना है, दिन में कम से कम दो बार, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट में और एक बार रात डिनर में वो दूध को पीना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी बेटा हम आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है फूड वाला, हमारा जो चैप्टर था वो क्लियरली समझ आ गया होगा। आपने बेटा क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से सुनना है, इसको सुनने के बाद इसकी प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझकर और इसकी जो रीडिंग करके आपने उसकी ऑडियो जो है वो ग्रुप में डालनी है, ऑडियो मैसेज बेटा आपने क्रिएट करके उसको ग्रुप में डालना है रीडिंग के बाद। ठीक है बेटा, और अभी बेटा हम इसका जो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला पार्ट है ये भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। चलो, वी ईट लंच इन, बेटा हम लंच कब करते हैं, हाँ वेरी गुड, कौन बताएगा, यस सही सही, बिल्कुल सही, हम लंच करते हैं आफ्टरनून में, दोपहर में। वी नीड, सेकंड बेटा, वी नीड फूड टू गेट, फूड से हमें क्या मिलती है बेटा, शुगर मिलती है, एनर्जी मिलती है क्या, फ्रूट्स, फूड से तो हमें मिलती है एनर्जी, वेरी गुड। वी ईट डैश मील्स इन अ डे, दिन में हम कितनी बार खाना खाना चाहिए, जल्दी बताओ बेटा, 2, 3 के 4, बिल्कुल सही, 3 बार। नेक्स्ट इज, विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन की पहली मील को हम क्या कहते हैं, जो सुबह सुबह हम मॉर्निंग में करते होते क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं के, लंच कहते हैं के, डिनर कहते हैं, यस हम सुबह के खाने को कहते हैं ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट बेटा, द मील दैट वी ईट एट नाइट, रात के खाने को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच के, डिनर, कौन बोलेगा, यस डिनर कहते हैं बेटा उसे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पॉइंट, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ डैश एवरी डे, हमें बहुत सारा क्या पीना चाहिए रोज़, टी, कॉफ़ी, वाटर, क्या पीना चाहिए, चाय, कॉफ़ी या पानी, यस हमने फूड हेल्दी हैबिट्स में पढ़ा था, पहला ही पॉइंट था उसका, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सो बेटा आपने ये ऑप्शंस जो हैं, ये ऑप्शंस भी आपने टिक द क्रैप डक्शन वाला पार्ट अपनी बैक साइज पर करना है बुक की, कर इसकी बुक जो पिक्चर है क्लियरली क्लिक करके वो भी ग्रुप में सेंड करनी है, और अपना जो पहले में हमने बता दिया है रीडिंग करके वो चैप्टर की वॉइस भी आपने जो है ऑडियो मैसेज साथ में भेजना है, और आपने साथ में बेटा जो पुराना काम है उसकी लर्निंग साथ में कर लें, क्योंकि आपके नेक्स्ट वीक से जो क्लास टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाने हैं, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सो इसलिए वो अब इसे ही साथ में करना शुरू कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।